स्वागत है सभी किसान साथियों का टेकन जर्नी चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज का भी वीडियो होने वाला है जो एग्रीकल्चर में हमें डेली यूज लगते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक स्प्रे पंप होते हैं, उसके बारे में होने वाला है। ये कृषि वन कंपनी मतलब एक एग्रो वन कंपनी का एक प्रोडक्ट है दोस्तों। और किस तरह से अच्छा है, कैसी डिज़ाइन है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जिस तरह से कि आप देख पा रहे हैं, कुछ आपको बेसिक इमेजेस वगैरह इसके ऊपर मिल जाती है, मतलब किस किस चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्यों लिया दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। तो जिस तरह से आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाते हैं ऊपर, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो स्प्रे पंप के बारे में जो कुछ टेक्निकल जानकारी और कंपनी के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो एग्रोन कंपनी का ही प्रोडक्ट है, और दूसरे भी एग्रोन कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट होते हैं, और उसी तरह से ये स्प्रे पंप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका कि मैंने डिटेल रिव्यू आपको आगे वीडियो में किया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने स्प्रे पंप के बारे में, जो कि मेनली तो मेरा यूज़ होने वाला बागवानी में, तो बागवानी में किस तरह से परफॉर्म करता है, और अगर इसको स्प्रे गन भी लगाई जाए तो भी किस तरह से इसका प्रेशर हमें मिल जाता है, तो इसके बारे में डिटेल मैंने आगे बताया। तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, कि जिसकी वजह से आपको इस स्प्रे पंप के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्रीन कलर में है, डिज़ाइन एकदम सिंपल रखा है दोस्तों। ये बात मुझे बढ़िया लगी, सिंपल डिज़ाइन है, और इसकी जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है दोस्तों, ये बात मुझे अच्छी लगी। ये जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप भी बहुत ही मजबूत दिए है उन्होंने, और ये तकरीबन मुझे 2000 में मिला, लेकिन अगर सीजन के टाइम पर अगर बात करें तो ये 1600 में भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि कुछ बेसिक वार्निंग्स मिलती है कि भाई आपको किस तरह से पानी डालना चाहिए, कब कब चार्ज करना चाहिए इसको, मतलब कि कंडीशन अच्छी बनाए रखने के लिए। अब बैटरी की भी अगर बात करें दोस्तों, इसकी बैटरी भी मुझे अच्छी लगी, हालाँकि बैटरी के स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ इस पर तो डिटेल नहीं मिली, लेकिन जैसे मिल जाएंगी तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा दोस्तों। मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कॉम्पैक्ट और मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, जिस तरह से जिसकी वजह से आपको यूज़ करने में भी आसानी हो जाती है दोस्तों। और 16 लीटर का होने की वजह से आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, और सिंगल मोटर है दोस्तों इसको, इसका मोटर जो है ये मेन खास बात है कि इसकी जो मोटर है सिंगल मोटर है। सिंगल मोटर होने के बावजूद दोस्तों, जो मार्केट में डबल मोटर वाले भी स्प्रे पंप जो है उनके जितना है इसका प्रेशर मिलता है, तो ये बढ़िया बात लगी मुझे। हालांकि डबल मोटर वालों का रेट अगर मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा, बहुत जगह पे देखा, मैंने दूसरे भी स्प्रे पंप के बारे में देखा, तो इसके जैसा मुझे स्प्रे पंप दूसरा कोई नहीं लगा, इस कारण मैंने इसको लिया। और डबल मोटर वाले वैसे भी मोटर स्प्रे पंप दोस्तों 2500 3000 3500-4000 तक है, तो जो आप देख पा रहे हैं ये नॉब बस दो ही नॉब है, एक नॉब से आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको कंटिन्यूस प्रेशर एक ही स्पीड पे चाहिए तो फिर आप रेड वाला नॉब यूज़ कर सकते हैं। नीचे से भी इसकी बॉडी जो है दोस्तों स्ट्रांग बनाई गई है, और ख़ास बात बताओ तो इसके जो नोजल्स वगैरह है ये पूरे अदर स्प्रे पंप के मुकाबले में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगे दोस्तों। मतलब एग्रोवन का प्रोडक्ट है, और पहले से अगर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन। इसके परचेसिंग के लिंक का तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन अगर कहीं पे अवेलेबल हो, मैंने ये एक्चुअली हमारे लोकल मार्केट से एक एग्रोन का शॉप था तो वहाँ से परचेस किया था। और इसके साथ में हमें टोटल 4 नोजल्स मिल जाते हैं, एक तो इसको पहले से बिठा के मिल जाता है, और दूसरे 3 नोजल्स आपको उसके साथ में मिल जाते हैं। नोजल्स की भी अगर क्वालिटी देखें दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, और आगे भी मैंने वीडियो में दिखाया कि किस तरह से ये प्रेशर जनरेट करता है। तो मेरा पौधा जो है नींबू के, वो तकरीबन 8 से 10 फीट या फिर कहीं पे 12 फीट भी है, तो वहाँ तक आसानी से इसका जो प्रेशर है वो पहुँच रहा है दोस्तों। तो आगे हम देख आप देख पाएंगे कि किस तरह से 8 से 9 या 10 फीट तक भी हो सकता है। तो एवरेज मेरे पूरे के पूरे जो पौधे हैं इतने ही हाइट के हो चुके हैं, तो इसको आप मेरी हाइट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये अगर ऊपर किया तो भी आप समझ जाएंगे, ये हमारा पौधा जो इसके स्प्रे पंप जो ट्यूब है वो अच्छी खासी लंबी मिल जाती है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक एक्सटेंड हो पाता है या फिर कहाँ तक। तो ये देखिए, जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि बराबर से पहुंच रहा है, इसमें उतना कुछ
आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। प्रेशर बहुत मिलता है, सिंगल मोटर होने के बावजूद भी बहुत प्रेशर है इसका। अच्छा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसको, पानी कहाँ तक गया है। आप देख सकते हैं कि इस पे जो बूंदे हैं ऊपर की भी, अगर देख पाए आप, इतना जूम तो नहीं हो रहा लेकिन ऊपर के शाखाओं तक, पत्तों पे आपको बूंदे अच्छे से नज़र आ जाएंगी दोस्तों। तो अच्छा है दोस्तों,